सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वोडाफोन का एक नहीं बल्कि दो बहुत ही कमाल की एपीएन सेटिंग्स बताने वाला हूँ, और उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इन सेटिंग्स को अपने फ़ोन पे इजीली अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद आपको अभी जो इंटरनेट स्पीड मिल रही है उससे पक्का कहीं गुना फास्ट नेट स्पीड देखने को मिलेगी। और अगर आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो तो आपको हाई पिंग की प्रॉब्लम भी कभी नहीं देखने को मिलेगी, और कॉलिंग के टाइम पे नेटवर्क इशू भी ख़त्म हो जाएगा, और फेसबुक या यूट्यूब यूज़ करते वक्त बफरिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। सो आज का ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है, एपीएन सेटिंग्स के वीडियो में अल्टीमेट वीडियो होने वाला है। सो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना, वरना आपकी सेटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी और आपकी इंटरनेट स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। सो वीडियो को पूरा देखना। फ्रेंड्स, नए एपीएन सेटिंग्स थोड़े समय बाद आते रहते हैं। जैसे ही कोई भी नया एपीएन सेटिंग आता है मैं उस पर तुरंत वीडियोस बना देता हूँ, ताकि आप लोग भी उसको अप्लाई कर सको और आपको भी अच्छी इंटरनेट स्पीड मिल सके। जैसा कि आप जानते हो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी टाइम से एपीएन सेटिंग्स पर वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोग मेरे वीडियोस को देखते भी हो जैसा कि नंबर ऑफ व्यूज से पता चल सकता है, एंड वेल आई अप्रिशिएट दैट फ्रेंड्स। बट एक चीज़ मुझे बुरी लगी है और वो मैंने अभी तक नहीं बताई, आज बता रहा हूँ कि मैं इतने टाइम से इतनी मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ फिर भी हमारे चैनल पर अभी तक 100 के सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं। फ्रेंड्स, आप में से 98% लोग मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो। वेल, दैट इज़ वेरी डिमोटिवेटिंग। आई नीड योर सपोर्ट फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर लो। आप मेरे वीडियोस तो देखते ही हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो। 100K सब्सक्राइबर्स किसी भी यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, मोटिवेटिंग सोर्स होती है। फ्रेंड्स, आई नीड दैट मोटिवेशन, प्लीज़ सपोर्ट मी फ्रेंड्स, सब्सक्राइब मी। सो फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर लो, और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर से कर देना। और डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, उधर से आप मुझको फॉलो करके मुझे DM भी कर सकते हो। सो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, एपीएन सेटिंग्स करने के लिए हम मोबाइल सेटिंग्स में चले जाएंगे, फिर सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा में जाएंगे, फिर वोडाफोन का सिम कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हमारा मेन नेम एक्सेस पॉइंट नेम या फिर एपीएन की सेटिंग को ढूंढ के ओपन करना है तो एक्सेस पॉइंट नेम ओपन कर लेंगे। फिर आपको आपका सिलेक्टेड एपीएन देखने को मिलेगा। हमारा सबसे पहला और मेन स्टेप है राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर 3 डॉट्स पे क्लिक करके रिसेट एक्सेस पॉइंट या फिर रिसेट टू डिफ़ॉल्ट या फिर रिसेट एपीएन सेटिंग कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर से कर लेना। तो उसके बाद हम आपको आपका डिफ़ॉल्ट एपीएन सेटिंग देखने को मिलेगा, उसको मॉडिफाई करेंगे। मैं 2 एपीएन बताने वाला हूँ, सो दूसरा हम क्रिएट करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वाले को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो टैप करके ओपन कर लो, फिर नेम में जो भी लिखा हो उसको हटाकर वोडाफोन इंटरनेट मैक्स 1 लिख लो। वोडाफोन का वी कैपिटल, इंटरनेट का आई कैपिटल और मैक्स पूरा कैपिटल में। सो नेम में वोडाफोन इंटरनेट मैक्स लिख लो। फिर एपीएन के अंदर अगर कुछ और लिखा है तो उसको हटाकर पोर्टल एंड एमएमएस लिख लो, स्मॉल में और एक साथ एपीएन में पोर्टल एंड एमएमएस। फिर प्रॉक्सी को नॉट सेट, नॉट सेट से मेरा मतलब है कुछ भी मत लिखो और ओके कर लो तो ऑटोमेटिक नॉट सेट हो जाएगा। फिर पोर्ट को भी उसी तरह नॉट सेट छोड़ दो, और यूज़र नेम के अंदर जाकर लिख लेना है speedbot.vodafonemaks। स्पीड का S कैपिटल, बॉट का B कैपिटल, वोडाफोन का V कैपिटल और मैक्स पूरा कैपिटल में। सो यूज़र नेम में speedbot.vodafonemaks लिख लेना है। फ्रेंड्स, आप ये कैपिटल स्मॉल की चिंता मत करो, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखो, मैं ट्रिक बताऊंगा उससे आप ये वैल्यूज़ को इजीली कॉपी पेस्ट कर पाओगे। सो लेकिन वीडियो इम्पोर्टेंट है, सो पूरा देखो। पासवर्ड को नॉट सेट रहने दो, और सर्वर के अंदर फ्रेंड्स आपको www.google.com लिख लेना है। फिर MMSC को नॉट सेट छोड़ दो, MMS प्रॉक्सी और MMS पोर्ट को भी नॉट सेट रख देते हैं। MCC और MNC एरिया वाइज अलग वैल्यूज़ होती है, जो है वही रखना, कुछ भी चेंजेस मत करना। ऑथेंटिकेशन टाइप के अंदर सेकेंड ऑप्शन PAP PAP सेलेक्ट कर लो। AP
एन टाइप के अंदर जो है वही रखना, कुछ भी नहीं है तो कोई भी नहीं तो ओके कर लेना। APN प्रोटोकॉल के अंदर थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, और APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी थर्ड ऑप्शन IPv4/IPv6 सेलेक्ट कर लो। BRR के अंदर अनस्पेसिफाइड पे सिलेक्शन होगा तो उसको हटाकर LTE को टिक कर लेना है। और अब हम राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर से इस APN को सेव करेंगे। हमारा फर्स्ट APN हो चुका है क्रिएट, अब हम सेकेंड क्रिएट करेंगे। आप में वो ऑप्शन नीचे हो सकता है या फिर मेरे जैसे राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे प्लस पे क्लिक करके न्यू फॉर्म ओपन होगा तो वो ओपन कर लेना। नेम में आपको सिंपली लिख लेना है वर्डाफोन इंटरनेट मैक्स 2। आपको नेम में वर्डाफोन इंटरनेट मैक्स 2 लिख लेना है, VI और मैक्स कैपिटल में। APN के अंदर आपको वर्डाफोन लिख लेना है और V कैपिटल रखना उसमें, सो APN में वर्डाफोन लिखना है। प्रॉक्सी नॉट सेट, पोर्ट नॉट सेट, और यूजर नेम के अंदर जाकर speedbot.vodafonemax जैसा कि हमने पहले लिखा था। और वीडियो पूरा देखो, आप एंडिंग में ये सेटिंग्स को इजीली अप्लाई करने की ट्रिक बताऊंगा। सो पासवर्ड को नॉट सेट छोड़ दो। सर्वर के अंदर इस बार लिख लेना है *99#, सर्वर में *99# लिख लो। फिर MMSC को नॉट सेट रखो, और MMS प्रॉक्सी और MMS पोर्ट को भी नॉट सेट छोड़ दो। MCC और MNC जैसा कि मैंने बोला एरिया वाइज अलग होंगे, जो है वही रखना। ऑथेंटिकेशन टाइप के अंदर सेकेंड ऑप्शन PAP PAP सेलेक्ट कर लो। APN प्रोटोकॉल के अंदर इसको चेंज करके थर्ड ऑप्शन IPv4/IPv6 ले आओ, और APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। BRR के अंदर फ्रेंड्स इस बार अनस्पेसिफाइड से सिलेक्शन हटाकर फर्स्ट 7 सेलेक्ट कर लेने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। और फिर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर से इस APN को सेव कर लेंगे। हमारे दोनों APN क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने दो APN क्यों क्रिएट किए, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो फ्रेंड्स जब भी आप ऑनलाइन गेम खेलते हो और आपका पिंग हाई हो जाता है, या फिर आप ऑनलाइन पे YouTube या Facebook यूज़ करते हो और आपका बफरिंग प्रॉब्लम होता है, तो अगर आपका सिलेक्शन फर्स्ट वाले पे था तो उसको चेंज करके सेकेंड पे ले आओ, और अगर आपका सिलेक्शन सेकेंड पे था तो उसको चेंज करके ऊपर वाले पे ले जाओ। आपका इंटरनेट चला जाएगा और फिर से आ जाएगा। बहुत सारे लोगों का इंटरनेट चला तो जाता है लेकिन वापस नहीं आता। तो क्या करना है कि फ्रेंड्स एयरप्लेन मोड पे क्लिक करना है, फिर 1, 2, 3 ऐसा गिनो और फिर से हटा लो। आपका इंटरनेट डेफिनेटली वापस आ जाएगा। अगर आपका कभी भी इंटरनेट यूज़ करते वक्त इंटरनेट स्लो हो जाए या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये एयरप्लेन मोड वाली ट्रिक ज़रूर से यूज़ कर लेना, याद रखना मैंने बताया था। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा था, इसलिए मैं आपको लाइव स्पीड टेस्ट करके नहीं दिखा रहा, लेकिन ये आप कुछ स्क्रीनशॉट देख सकते हो जिसको मैंने इस APN को एक्सपेरिमेंट करते वक्त लिए थे। आपको इतनी स्पीड मिलेगी कि नहीं वो आपके एरिया एंड डिवाइस पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको जो पहले इंटरनेट स्पीड मिल रही थी उससे पक्का फास्ट नेट स्पीड देखने को मिलेगी। और इंटरनेट पे गेम खेलते वक्त या फिर YouTube या Facebook यूज़ करते वक्त आपको बफरिंग इशू वगैरह भी नहीं देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट पहले से अच्छा ही इंटरनेट की सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो अब मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप इस सेटिंग को इजीली अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में माय वेबसाइट आर्टिकल लिंक ऐसा करके एक लिंक मिलेगी, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। फिर आप एक वेबसाइट पे जाओगे, उस पर नीचे स्क्रॉल कर लेना, आपको ये APN सेटिंग की वैल्यूज़ देखने को मिलेगी। तो आप वो वैल्यूज़ को उधर से डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट करके वो वाले फॉर्म में लगा सकते हो। उससे आपको कैपिटल स्मॉल है या फिर स्पेस वगैरह की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके ईजिली सेटिंग को अप्लाई कर सकते हो। तो आपको माई वेबसाइट आर्टिकल करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, विजिट कर लेना। आई होप आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को एक लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर लो, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर दो और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। वीडियो को लाइक कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।